वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। माय नेम इज किशोर कुणाल और आज हम बात करेंगे नाइट्रस फ्यूम्स के बारे में, जिसे खांसी गैस भी कहते हैं। तो खांसी गैस किसे कहते हैं? खान में ब्लास्टिंग से उत्पन्न होने वाली विभिन्न ऑक्साइड गैसों के मिश्रण को खांसी गैस या नाइट्रस फ्यूम्स कहते हैं। मुख्य हानिकारक लालिता लिए भूरे रंग की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होती है। मिश्रण की अन्य गैसें हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं। खांसी गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो खांसी गैस में मुख्य विषैली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठंडी होने पर नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में बदल जाती है। इससे वो भूरे रंग में बदलकर पहले पीली व फिर रंगहीन हो जाती है। खांसी गैस खान में कैसे बनती है? तो खांसी गैस खान में ब्लास्टिंग से बनती है, डीजल लोको या अन्य डीजल इंजन के एग्जॉस्ट से बनती है। नाइट्रोजन ग्लिसरीन युक्त बारूद की ब्लास्टिंग मुख्य स्रोत है। भूमिगत खानों में आजकल ऐसे बारूद की मनाही हो गई है। अन्य बारूद भी खराब अवस्था में हो या ब्लोन आउट शॉर्ट हो जाए भारी मात्रा में बन सकती है। डीजल लोको या अन्य डीजल इंजन के एग्जॉस्ट धुएं में खांसी गैस अल्प मात्रा में होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। खांसी गैस के गुण क्या होते हैं? तो लालिमा लिए भूरे रंग की ये होती है, दम घुटने वाली तीखी गंध होती है इसमें, पानी में आसानी से घुलने वाली होती है, ये हवा से 1.59 गुना भारी होती है, अत्यंत विषैली गैस होती है ये। खांसी गैस का शरीर पर क्या प्रभाव होता है? तो खांसी गैस में श्वास लेने पर तेज खांसी आती है तथा आंख नाक गले व फेफड़ों की झिल्लियों में सूजन हो जाती है। आक्रांत व्यक्ति शीघ्र ही ठीक हो गया मालूम होता है, परंतु कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद अचानक निमोनिया जैसी बीमारी से खूब बीमार पड़ जाता है और कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो जाती है। खांसी गैस धोखे वाली क्यों मानी जाती है? खांसी गैस का अधिक हानिकारक प्रभाव डिलेड होता है, ये इसका परिणाम तुरंत में नहीं दिखता है। श्वास में जाने पर केवल कुछ खांसी आती है जो कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, और व्यक्ति ड्यूटी से ऐसे लौट जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं, परंतु कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत अचानक तेजी से बिगड़ जाती है। और यदि खांसी गैस अधिक मात्रा में श्वास में गई है तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सब व्यक्ति यहां तक कि डॉक्टर भी अक्सर इसे ठंड आदि के कारण हुई निमोनिया ही समझते हैं, परंतु वास्तव में वह खांसी गैस का विलंबित प्रभाव होता है। इसमें ध्यान देने वाली एक बात है, खांसी गैस के विलंबित प्रभाव का महत्व लोगों ने तब समझा जब 1984 में बिहार की सुरदा कॉपर माइन में इससे 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उसके बाद DGMS ने उपरोक्त निर्देश का सर्कुलर जारी किया। खान में अधिक से अधिक कितनी खांसी गैस सुरक्षित मानी जाती है या खांसी गैस की अनुज्ञेय मात्रा कितनी है? परमिशेबल जिसे कहते हैं, तो 5 PPM नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। खांसी गैस से बचाव के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? फेस में हवा का अच्छा प्रबंध जिससे धुआं जल्द हट जाए। जब तक फेस से धुआं या गैस हट न जाए तब तक किसी को जाने न देना। उस समय खान के मैनेजर ऐसा तय करते हैं कि खांसी गैस घटकर 5 PPM हो जाए या उससे कम हो जाए, जो कि DGMS सर्कुलर नंबर 4/1984। ब्लास्टिंग से पहले फेस पर वह आसपास वाटर स्प्रे करना तथा लोडिंग से पहले ब्लास्टेड माल को पानी से पूरा गीला करना। खांसी गैस पानी में घुलकर कम हो जाएगी। यह गैस हवा से भारी होने के कारण ब्लास्टेड माल में बैठ जाती है और लोड करते समय लोडर पर असर नहीं करती। कुछ अन्य उपाय भी हैं, ठसानी में वाटर एम्प्यूल पानी की थैली जिसे कहते हैं उसका प्रयोग करना, नाइट्रोजन ग्लिसरीन युक्त बारूद प्रयोग न करना, सही प्रकार का डेटोनेटर प्रयोग करना, बिगड़ा हुआ बारूद या डेटोनेटर काम में न लेना, ठसानी ठीक से करना ताकि ब्लोन आउट शॉर्ट न हो। तो ये कुछ बातें थी जिसका हमें ध्यान रखना होगा। खांसी गैस की सबसे अधिक संभावना कहाँ होती है? खांसी गैस की सबसे अधिक संभावना स्टोन ड्रिफ्ट में और सिंकिंग चानक में, क्योंकि अधिक बारूद प्रयोग होता है यहाँ। खांसी गैस जांच करने के क्या क्या तरीके हैं? तो खांसी गैस की उपस्थिति उसकी तीखी गंध से मालूम हो जाती है, 1 PPM मात्रा रहने पर भी गंध मिल जाती है। यह गैस लालिमा लिए भूरे रंग की होती है, अतः ब्लास्टिंग के बाद आयतन में दिख सकती है। पोटेशियम आयोडाइड व स्टार्च के मिश्रण वाले घोल में भीगा हुआ फिल्टर पेपर खांसी गैस रहने से आयोडीन बनने के कारण नीला पड़ जाता है। जांच मल्टी गैस डिटेक्टर यंत्र से भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोचा गैस के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो आपकी तो प्लीज कमेंट करें।